सोमनाथ मंदिर की रहस्यमय कहानी और भगवान शिव की शक्ति का प्रमाण आज हम देख सकते हैं। सन 1025 की बात है, गुजरात के कई हिस्सों में आक्रमण करने के बाद अफगानी शासक मोहम्मद गजनवी अपनी खूंखार सेना को लेकर एक भव्य मंदिर में जा पहुंचा, जहां बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे जो कि भक्ति में लीन थे। और तभी अफगानियों ने उन पर हमला कर दिया और मानो देखते ही देखते इस खूबसूरत मंदिर ने अपनी सारी खूबसूरती खो दी। वह मंदिर कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ या सोमनाथेश्वर भी कहा जाता है, जिसे करीब 17 बार तोड़ा व लूटा गया, तब भी इस मंदिर का पुनः निर्माण होता रहा। सोमनाथ मंदिर की कहानी। सन 1017 में लिखी गई एक किताब में सोमनाथ मंदिर की सुंदरता का वर्णन इतनी खूबसूरती के साथ किया गया था कि जो भी इसे पढ़ता वह प्रसन्न हो जाता। परंतु जब यह किताब सुल्तान महमूद गजनवी के हाथ लगी तो उसकी लालच से यह मंदिर भी नहीं बच पाया। उसने इस मंदिर को हथियाने के लिए सब कुछ किया जो वह कर सकता था। कहा जाता था कि सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में भगवान कृष्ण की वह मणि छिपाई गई थी जिससे कभी भी सोने चांदी या पैसों की कमी नहीं होती थी। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि इसी मणि की जादुई शक्तियों के कारण सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता था। जैसे ही फिर दरवाजे पे लगी सोने की चेन को गजनवी अपने साथ ले गया, साथ ही वह मंदिर के कुछ कीमती टुकड़े भी अपने साथ ले गया जिसे उसने अपनी मस्जिद की सीढ़ियों मंदिर में आग लगा दी। कुछ साल बाद गुजरात के राजा भीमदेव ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और मरम्मत करवाई, परंतु फिर से मंदिर को आपदा का सामना करना पड़ा। सन 1299 अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे हमला कर दिया और पवित्र भूमि पे कई लाशें बिछा दी। परंतु यह खुशी खिलजी की ज्यादा देर तक ना चली। राजपूत सेना ने खिलजी के पश्चात औरंगजेब ने दो बार इस मंदिर पे और हमले किए। औरंगजेब ने सोमनाथ को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि 200 वर्षों तक मंदिर खंडर बना रहा। 1706 में औरंगजेब ने ऐसा हमला किया था कि लोगों के मन में खौफ बैठ गया। आखिरकार 1951 में इस मंदिर को फिर से बनाया गया और आज जो सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं उसकी अनकही कहानी बेहद दुखद है। कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर को 17 बार लूटा गया तो कुछ उससे ज्यादा बार भी लूटा हुआ बताते हैं। कई मुगलों द्वारा इस मंदिर को लूटा व हमले किए गए, परंतु यह महादेव की ताकत ही है कि फिर से यह मंदिर खड़ा उठता है। तो हम कह सकते हैं कि भगवान शिव के आगे कोई भी मुगल या कोई भी व्यक्ति नहीं टिक सकता है। सच्चाई को आप कितना भी छुपाने का प्रयास करें वह ज्यादा देर तक नहीं छिप सकती है। इसीलिए एक बार फिर 1951 में मंदिर अस्तित्व में आया। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा जिसमें कि हमने दुखद भरी सोमनाथ मंदिर की कहानी के विषय में जाना। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब लाइक व शेयर जरूर करें।